डियर टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है देवव्रत रॉय और आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले एक क्वेश्चन मन में आता है, वो है कि वैलिडेशन की बात जब करेंगे तो वैलिडेशन का जो प्रश्न, वैलिडेशन कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आया, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले दो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने निकाला था। एक का नाम है टेड बायर, दूसरा है बर्ट लॉफ्टस। ये दोनों यूएसए का रहने वाले थे और ये दोनों 1979 में टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों ने वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेके आए। इस समय में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जो भी अपना लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स मार्केट में अवेलेबल थे उसमें से कुछ स्टेरिलिटी टेस्टिंग का इशू आ रहा था। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में बार बार वेरिएशंस आ रहा था बोल के, सेवरल प्रॉब्लम्स आ रहा था बोल के, इन दोनों ने प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अभी ये जानना जरूरी हो गया है कि वैलिडेशन का डेफिनेशन क्या है, वैलिडेशन एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए जानते हैं वैलिडेशन होता क्या है। वैलिडेशन इज अ कॉन्फर्मेशन बाय एग्जामिनेशन एंड इज अ प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड इंटेंडेड यूज आर फुलफिल्ड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोगों का कुछ स्पेसिफाइड इंटेंडेड यूज को फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को एविडेंस के साथ उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो जो स्टेप्स लिया जाएंगे वो होगा वैलिडेशन का स्टेप्स। तो कॉन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस। In the pharmaceutical industry, it is very important that in addition to the final testing and compliance of the products, obviously, क्योंकि हम लोगों का pharmaceutical industries में जो भी product हम लोग बनाते हैं उसका first and foremost requirement है कि उसका compliance जो है वो maintain हो। So, it is also assured that the process will constantly produce the expected results. तो मतलब क्या है कि हम लोगों को जो भी प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होगा वो स्मूथली चले, वो विथ मेंटेनिंग द क्वालिटी हो, और जो भी फाइनल टेस्टिंग और कॉम्प्लायंस होगा वो एश्योर्ड हो कि प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग इट्स एक्सपेक्टेड क्वालिटी और रिजल्ट्स। द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस for outcome of the process. Qualification of a system or equipment is therefore a part of the process validation. तो मतलब क्या है कि qualification जो भी होगा वो चाहे system का हो और चाहे equipment का हो वो होगा process validation का एक part. Validation is a requirement of food and drug and pharmaceutical regulatory agencies such as US FDA and there is a good manufacturing practice guidelines. तो मतलब क्या है कि वैलिडेशन जो है वो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आया है यूएस एफडीए का, दो ऑफिशियल्स ने इसको डेवलप किया था, तो डेफिनेटली ये यूएस एफडीए का एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है। तो वैलिडेशन इज द रिक्वायरमेंट फॉर फूड ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसीज, यूएस एफडीए छोड़ के बाकी बहुत सारे एजेंसीज है सबका ही रिक्वायरमेंट है कि वैलिडेशन should be performed as per the
रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैलिडेशन कितने टाइप का होता है। वैलिडेशन मेनली चार टाइप का होता है। एक जो है वो है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, तीसरा है कॉन्करेंट वैलिडेशन और चौथा है जो है वो है रीवैलिडेशन। इसको हम लोग पीरियडिक और आफ्टर चेंज दो टाइम पे रीवैलिडेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशंस इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। मतलब जब भी हम लोगों का डेवलपमेंटल स्टेज होगा, इस डेवलपमेंटल स्टेज में प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशंस को किया जाएंगे। अभी चलिए देखते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में हम लोगों को फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होता है। तो डेवलपमेंटल स्टेज में सबसे पहले आता है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टॉक्सिक और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ द पाथवेज। मतलब कोई भी एक फॉर्मुलेशंस अगर डेवलप करना है, कोई भी एक मॉलिक्यूल को अगर कमर्शियली उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो पहले जानना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल का बायो अवेलेबिलिटी क्या है, वो मॉलिक्यूल्स ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग्स में उसका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, उसका मैकेनिज्म्स वो केमिकल है तो केमिकल बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा, उसका सारा पाथवेज को जानना जरूरी है। दिस ऑल एक्टिविटीज इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द रिसर्च स्टेज। रिसर्च जैसे भी खत्म हुआ, रिसर्च करने के लिए एक मॉलिक्यूल के ऊपर मोटा मोटी 1 से 5 साल तक समय लग सकता है। तो रिसर्च खत्म होने के बाद उसका क्या होगा, उसका मेथड डेवलपमेंटल स्टेज चालू हो जाएगा। मेथड डेवलपमेंटल स्टेज में क्या होता है कि न्यू अल्टरनेटिव मेथड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और पर्पस इट इज डन इन सिंगल लेबोरेटरी। उसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल्स का है उसके रिलेटेड अलग अलग मेथड, वो मेथड जो है उसको रिकवरी करने का मेथड क्या है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का मेथड क्या है, उसको फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने का, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या मेथड है, सब मेथड जितना भी टोटल मेथड्स है वो जितना भी न्यू अल्टरनेटिव मेथड्स रहेंगे। मतलब एक सिंगल मेथड के बारे में ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, ये मल्टीपल मेथड के बारे में बोल रहे। तो जितना भी मेथड्स अपने पास होंगे रिलेटेड टू दैट मॉलिक्यूल्स, तो वो सारा मेथड्स जो है उसके रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगा वो पर्टिकुलर एक सिंगल लेबोरेटरी में एग्जीक्यूट किए जाएंगे और इसके लिए 2 से 5 साल तक टाइम लग सकता है। जैसे भी मेथड डेवलप हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा, मेथड को प्री वैलिडेशन करना पड़ेगा, दैट इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ वैलिडेशन। उसमें क्या होगा, ऑप्टिमाइज ट्रांसफरेबल प्रोटोकॉल। मतलब जो भी प्रोटोकॉल हम लोगों को ट्रांसफर होगा, जो एक हम लोगों को सिंगल लेबोरेटरी में जितना भी हम लोग प्रोटोकॉल, जो भी मेथड हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, जो भी प्रोटोकॉल को हम लोग बनाया, वो प्रोटोकॉल को अभी क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्टिमाइज जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग उसका एश्योरेंस को जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उस जितना भी प्रोटोकॉल हम लोगों ने डेवलप किया है ट्रांसफरेबल प्रोटोकॉल, वो सारा प्रोटोकॉल का ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। इसके लिए 2 से ज्यादा भी लेबोरेटरीज का रिक्वायरमेंट मिनिमम चाहिए, मिनिमम 2 लेबोरेटरीज ऑब्वियसली चाहिए, और प्री वैलिडेशन इसके लिए 1 से 2 साल तक टाइम लग सकता है। उसके बाद अगर प्री वैलिडेशन कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, देन वी विल गो फॉर वैलिडेशन एक्टिविटी। वैलिडेशन में क्या होगा, स्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड रिलीवियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो है हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर लिया है, ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग उसका रिलायबिलिटी देखेंगे कि ऑप्टिमाइज तो हुआ बट वेदर दीज मेथड्स, वेदर दीज प्रोसेस, दीज स्टेप्स आर रिलायबल और नॉट, वो करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मल्टीपल लेबोरेटरीज में, वो प्रोसेस को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा बार बार कि वही चीज बार बार रिपीटेटिवली सिमिलर रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट जेनरेट कर रहे कि नहीं कर रहे, वो रिलीवेंट है कि नहीं, जो पहले हम लोग ऑप्टिमाइज किया है उसके साथ अभी करेंटली रिलीवियंस हो रहे कि नहीं हो रहे,
दिस इज द कॉल्ड वैलिडेशंस, और ये वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 or more लेबोरेटरीज इज रिक्वायर्ड, उसके लिए 2 से 5 साल टाइम लग सकते हैं. वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, देन ओनली वी विल गो फॉर रिव्यू. रिव्यू इज द इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पर रिव्यू, मतलब इंडिपेंडेंटली जितना भी टोटल साइंटिफिक एविडेंस है, जितना भी टोटल साइंटिफिक डेटा गैदर्ड हुआ है, जितना भी साइंटिफिकली डेटा जेनरेट हुआ है, वो सारा डेटा को कंपाइल करेंगे, एक जगह पे लेके आएंगे, एक फाइल जेनरेट करेंगे, ये सारा एक्टिविटी को बोलेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ द रिव्यू एक्टिविटी. ये हम लोग क्यों करने वाले हैं? ये हम लोग रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस या रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए हम लोग ये सारा चीजें जितना भी अभी तक एक्टिविटी किया, ये सारा चीजों का मेन मोटो जो है अल्टीमेटली रेगुलेटरी बॉडीज जो है, रेगुलेटरी बॉडीज को हम लोग सबमिट करेंगे. दैट मीन्स रेगुलेटरी एजेंसी डिसीजन ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जो भी हम लोगों ने अभी रिव्यू करके फाइनली एप्लीकेशन तैयार किया है, जो एप्लीकेशन दिया है उनको, उसका अवेलेबिलिटी फाइनली रेगुलेटरी एजेंसी डिसाइड करेंगे. इसके लिए 1 से 3 साल टाइम लग सकता है. तो दीज आर द प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन स्टेप. अभी बिफोर दिस वैलिडेशन वी कैन टेक प्लेस फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी सेटिस्फाइड. प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, जैसे कि द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट मस्ट बी क्वालिफाइड. मैं इतना ही सारा भी चीजें जो स्टेप्स बोले हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास जो फैसिलिटी होगा, जो मेरे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल होगा, वो सारा फैसिलिटी और इक्विपमेंट पहले क्वालिफाइड होना जरूरी है. आगे क्या होगा? द ऑपरेटर्स रनिंग द वैलिडेशन बैचेस मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. जो भी ऑपरेटर्स वैलिडेशन बैचेस को एग्जीक्यूट कर रहे, जो भी वो बैचेस को रन कर रहे, उनको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियरली अंडरस्टैंड होना जरूरी है. द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन मस्ट बी कॉम्प्लीटेड. मतलब अपना जो भी डिजाइन और डिजाइन का जो भी ऑप्टिमाइजेशन है, अपना जो फैसिलिटी है वो कॉम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए. द पायलट लेबोरेटरी बैचेस मस्ट बी कॉम्प्लीटेड. मतलब पायलट स्केल में मेरा बैच जो है वो सक्सेसफुली निकल जाना चाहिए. प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. मतलब मेरा खाली पायलट बैच में बैच बनाने से ही नहीं होगा, उस बैच का स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन भी अपने पास होना पड़ेगा, चाहे वो मैंने एग्जीक्यूट किया है मेरा ड्यूरिंग द वैलिडेशन, मेरा कोई R&D लेबोरेटरी में किया है, तो उसको भी स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 pilot बैचेस हैज बीन कॉम्प्लीटेड. एटलीस्ट 1 pilot बैच कंप्लीट होना पड़ेगा व्हिच शोज नो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस. जितना भी आप लोगों का प्रोसेस है वो प्रोसेस का परफॉर्मेंस में कहीं पे भी सिग्निफिकेंट डेविएशन नहीं मिल रहे, वो प्रोसेस सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 1 batch जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होना जरूरी है. दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. अभी नेक्स्ट जानेंगे कि व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज द एनालिसिस ऑफ एक्युमुलेटेड रिजल्ट्स फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्शन बैचेस मैन्युफैक्चर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस टू एक्सेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस. तो मतलब सिंपली ये डेफिनेशन से समझ में आ गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हम लोग करेंगे जो है, जो प्रोडक्शन बैचेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस पे, उसको एक्सेस करने के लिए, उसका कंसिस्टेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए जो प्रोसेस है वो होगा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. इट इंक्लूड्स ट्रेंड एनालिसिस ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स एंड अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड प्रोसेस डेविएशंस एंड देयर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस रिकॉर्डेड. मतलब क्या है कि मेरे पास जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है, और मेरे पास टोटल जितने भी टेस्ट रिजल्ट जेनरेट हुआ है उसका क्लोज एग्जामिनेशन करके उसमें जो भी डेविएशंस या फिर उसमें कुछ अगर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुआ है वो सब कुछ एक साथ में रिव्यू करके फाइनली जो वैलिडेशन एक्टिविटी एग्जीक्यूट किया जाएगा
होगा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन इज अप्लाइड टू स्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हु आर कंसीडर्ड स्टेबल वायर प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन प्रोग्राम्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड. मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी उसका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हो चुका है और वो रेगुलेटरी सबमिशन हो चुका है, उसकी बहुत सारा बैचेस बन चुका है, उसके बाद हम लोग ये रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करेंगे यूजिंग आइदर डेटा बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम और मैनुअल मेथड. इसके लिए दोनों सिस्टम हो सकते हैं, कंप्यूटर में हम लोग डेटा बेस्ड और मैनुअली हम लोग ये वैलिडेशन कर सकते हैं. फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म द रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को करने के लिए क्या क्या करना है चलिए देखते हैं. गैदर द न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम द कंप्लीटेड बैचेस बैच रिकॉर्ड्स. जितने भी हम लोग बैच बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसका न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स जो भी डेटाज है उसको गैदर करना है. ऑर्गेनाइज दिस डेटा इन अ सीक्वेंस दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग डेटा. जितना भी हम लोगों को बैच मैन्युफैक्चरिंग डेटा अवेलेबल है वो सारा बैच मैन्युफैक्चरिंग डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सीक्वेंशियली इवेल्युएट करना है. इट इंक्लूड द डेटा ऑफ एटलीस्ट 20-40 बैचेस. इसका क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट मेरे पास 20-40 बैचेस का डेटा अवेलेबल होना चाहिए. इफ द नंबर इज लेस देन 20 देन इंक्लूड्स ऑल द अवेलेबल डेटा. अगर बैच जो है 20 से नीचे बना है तो मेरे पास जितना भी टोटल अवेलेबल डेटा है पूरा डेटा को लेके उसमें मुझे इवेल्युएशन करना है, मुझे वैलिडेशन परफॉर्म करना है. उसमें मैं कुछ भी डेटा को वहां पे रिव्यू के लिए नहीं छोड़ सकता हूं. लर्न द डेटा बाई एलिमिनेटिंग ऑल द नॉन क्रिटिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. हम लोगों को डेटा को ऐसे लर्न करना है कि ऑल न्यूमेरिकल्स नॉन क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स को इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करना है. सब्जेक्ट दिस डेटा टू स्टेटिस्टिकल इवेल्युएशन. हम लोगों को स्टेटिस्टिकल इवेल्युएशन करना है. एनालाइज द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जेनरेट अ रिपोर्ट ऑफ द ऑल फाइंडिंग्स. ये तो हुआ कि वैलिडेशन करने का प्रोसेस. अभी देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कैसे होता है. रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में एक्चुअली पहले सर्वे होता है, एक्चुअल जो सर्वे वो एग्जीक्यूट होता है. उसके बाद वैलिडेशन मास्टर प्लान जो बोलते हैं हम लोग VMP, वो वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाया जाता है. उसके बाद हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं कि हम लोग को एस्टेब्लिश जो सिस्टम है, जो प्लांट है, जो फैसिलिटीज है, उसमें इस पर्टिकुलर वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना रिस्क अवेलेबल है वो सारा रिस्क को इवेल्युएट कर लेना पहले जरूरी है. रिस्क एनालिसिस कंप्लीट हो जाने के बाद IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज OQ, उसके बाद परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन दैट इज PQ किया जाता है. IQ, OQ, PQ सक्सेसफुली हो जाने के बाद हम लोग आगे तीन चीजें करते हैं. एक जो है कि ट्रेनिंग वैलिडेशन, दूसरा है कि प्रोसेस वैलिडेशन और तीसरा है कि कंप्यूटर और सिस्टम वैलिडेशन. जैसे ट्रेनिंग वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन और कंप्यूटर वैलिडेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो उसका वैलिडेशन का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा. वैलिडेशन का रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा. उसका मेंटेनेंस हो जाने के बाद उसके बिहाफ पे चेंज कंट्रोल लिया जाएगा. अगर वहां पे कुछ फाइंडिंग्स हुआ, कुछ अगर प्लांट एक्टिविटी, कुछ चेंजेस, प्लांट चेंजेस अगर एग्जीक्यूट करना है तो इमीडिएटली रीवैलिडेशन, दोबारा वैलिडेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे जाके पीरियोडिक वैलिडेशन करना है. तो ये हो गया मेरा रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का स्कीमेटिक स्टेप्स. अभी आगे और एक इम्पोर्टेंट वैलिडेशन है जो है कॉन्करेंट वैलिडेशन. तो कॉन्करेंट वैलिडेशन क्या है जानते हैं. कॉन्करेंट वैलिडेशन इज कैरीड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोडक्शन. जब मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन चल रहा है, ड्यूरिंग मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल्स कॉन्करेंट वैलिडेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है. इट रिक्वायर्स अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिव वर्क्स. जितना भी हम लोगों के पास प्रोस्पेक्टिव वर्क्स और एक्टिविटीज चालू है उसकी बिहाफ पे हम लोग फुल अंडरस्टैंड करके टोटल प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं ड्यूरिंग द
complete run of the steps or process. जब भी प्रोसेस और स्टेप्स चालू है मेरा प्लांट पे बैचेस बन रहे हैं उस टाइम पे कॉन्करेंट वैलिडेशन किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स वेरी क्लोज एंड इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग. इसमें क्या करते हैं हम लोग वेरी क्लोजली और इंटेंसिफाइड एकदम लेंस के नीचे देखना जिसको बोलते हैं ऐसे एकदम मॉनिटरिंग करते हैं ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स एंड क्रिटिकल पॉइंट. जो भी सीसीपीज है जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स है उसको एकदम माइन्यूटली मॉनिटरिंग किया जाता है इन एटलीस्ट फर्स्ट 3 प्रोडक्शन स्केल बैचेस. जब भी हम लोगों का प्रोडक्शन बैचेस लेना चालू होगा एटलीस्ट मिनिमम 3 बैचेस का इवेल्युएशन कॉन्करेंट वैलिडेशन में किया जाता है. तो फर्स्ट 3 मिनिमम बैचेस का इवेल्युएशन करने का जो स्टेप्स है वैलिडेशन प्रोसेस है दैट इज कॉन्करेंट वैलिडेशन. मिनिमम 3 बैचेस मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ इन प्रोसेस टेस्टिंग. हम लोग इसमें क्या करते हैं जितना भी इन प्रोसेस एक्टिविटीज है टेस्टिंग है वो सारा एग्जीक्यूट करते हैं माइन्यूट चेंजेस को इवेल्युएट करने के लिए. उसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं जैसे कि पीएच वैल्यू हो सकता है टैबलेट का हार्डनेस हो सकता है टैबलेट का वेट का वेरिएशन कितना है वेट वेरिएशन देख सकते हैं डिजोल्यूशन टाइम्स कितना है उसके बाद कॉन्टेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है विस्कोसिटी और डेंसिटी हो सकता है कलर और क्लैरिटी हो सकता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एवरेज यूनिट पोटेंसी हो सकता है. दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आर इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग कॉन्करेंट वैलिडेशंस. अभी देखते हैं कॉन्करेंट वैलिडेशंस का स्कीमेटिक स्टेप्स. कॉन्करेंट वैलिडेशंस में सबसे पहले क्या होता है वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाया जाता है. वैलिडेशन मास्टर प्लान बन जाने के बाद सबसे पहले उस स्टेप में हम लोगों ने देखा था रेट्रोस्पेक्टिव में हम लोगों ने रिस्क को इवेल्युएट किए थे रिस्क असेसमेंट किए थे. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिस्क एनालिसिस किए थे. बट हम लोग कॉन्करेंट वैलिडेशन में सबसे पहले हम लोग पर डिजाइन को सेटअप करते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन करते हैं डीक्यू करते हैं. वहां पे तो ऑलरेडी सेट था वहां पे ऑलरेडी वो सब एक्टिविटी हो चुका था खाली प्लांट रेडी है मेरा खाली रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मैंने किया. यहाँ पे शुरू से करेंगे बैच मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया तो उससे पहले हम लोगों को डिजाइन क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा. डिजाइन क्वालिफिकेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट का या फिर इक्विपमेंट का प्रोसेस का इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन किया उसके बाद ऑपरेशन क्वालिफिकेशन किया उसके बाद परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन किया. ये एक्टिविटी हो जाने के बाद क्लीनिंग वैलिडेशन किया प्रोसेस वैलिडेशन किया कंप्यूटर और सिस्टम को वैलिडेट किया वैलिडेशन रिपोर्ट बना उसको अच्छे से मॉनिटरिंग किया और मेंटेनेंस किया उसके बिहाफ पे चेंज कंट्रोल लिया. अगर वैलिडेशन में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो प्लांट वाइज में वो चेंजेस को एग्जीक्यूट करेंगे उसकी अगेंस्ट पे रिवैलिडेशन प्लानिंग करेंगे नहीं तो फिर आगे जाके पीरियडिकली मेरा रिवैलिडेशन आएगा तो मेरा कॉन्करेंट वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा वो साइकिल जो है वहां पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिवैलिडेशन. रिवैलिडेशन क्या है कि रिवैलिडेशन प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट चेंजेस इन अ प्रोसेस. जितना भी हम लोगों का प्रोसेस चालू है प्रोसेस चल रहा है रनिंग में है वो प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें प्रोसेस एनवायरनमेंट हो सकता है इंक्लूडेड आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो भी हो इंटेंशनली हो सकता है अनइंटेंशनली भी हो सकता है. उसमें जो भी चेंजेस मतलब हम लोगों को प्लांट एविएशन का थ्रू हम लोग प्रोसेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली या फिर प्रोसेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे तो वो चेंजेस को कैप्चर करने के लिए जिसमें मगर ये चेंजेस These changes should not be adversely affect the process characteristics. जो भी हम लोगों का प्रोसेस चालू है वो प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है CCPs है उसको कुछ भी एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे वो चीज को ख्याल में रखते हुए दिमाग में रखते हुए हम लोगों को प्लांट वे में चेंजेस कर सकते हैं या फिर पीरियोडिक भी हो सकते हैं तो उसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी को कुछ भी हैम्पर ना हो वो चीज को दिमाग में रखते हुए जो वैलिडेशन होगा वो होगा रीवैलिडेशन. रीवैलिडेशन दो तरह का हो सकता है एक तो है कि रीवैलिडेशन इन केस ऑफ द नोन चेंजेस जो अभी बोले हम लोगों ने कि इंटेंशनली होगा डेफिनेटली इंटेंशनली जो नोन चेंजेस होगा इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और फ्रॉम वन साइट टू अनदर दैट मीन साइट टू साइट ट्रांसफर के लिए हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी टाइम पे नोन हम लोग चेंजेस को एग्जीक्यूट करते हैं उसकी टाइम पे फिर दोबारा रीवैलिडेशन परफॉर्म किया जा सकता है.
दूसरा है कि एक पीरियोडिक रिवेल्युएशन, जैसे मेरा अभी एक वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, कॉन्करेंट हो सकता है, तो फिर उसके बाद फिर पीरियोडिक टाइम पे मेरा वैलिडेशन शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल की भी आप पे दोबारा वैलिडेशन, जैसे 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर इंटरवल हो सकता है, 3 साल 3 3 ईयर्स के बाद हो सकता है, जो भी वो डिपेंड करेगा, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका पीरियोडिक रिवैलिडेशन कैरी किया जाएगा, उसके लिए उसका शेड्यूल्ड इंटरवल्स अपने पास रहेंगे। तो आ सिस्टम शुड बी इन प्लेस, अपने पास एक सिस्टम होना ही चाहिए जिसमें क्या होगा, वैलिडेशन मास्टर प्लान का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने पास सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, टू एंश्योर बोथ सिचुएशंस आर एड्रेस, मतलब हम लोगों को अगर नॉन चेंजेस कर रहे हैं या फिर पीरियोडिक शेड्यूल चेंजेस होगा, दोनों चीज को एड्रेस करने के लिए अपने पास सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यही था वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आगे जो है इतना बोल सकते कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू अपलोडेड वीडियोज फ्रॉम डीआर टेक्निकल ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।